गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ये सब की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज जो एक्सरसाइज है आप लोग का 2F है, एक्सरसाइज है आप लोग का 2F। 2F में कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों, जो कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल ऐसे हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी कुछ कुछ चर्चा कर चुके थे, बड़ा छोटा किस तरह से चुना जाता है ये सब कुछ जान चुके थे। आज भी कुछ वही है। चलिए तो आज हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ है 35 और है 48। बच्चों जब भी टू डिजिट का नंबर है तो जब कंपेयर करना हो तो यूनिट प्लेस से कंपेयर नहीं करेंगे, यूनिट प्लेस से कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले 10 प्लेस से कंपेयर करेंगे। 10 के स्थान पे कितना है बच्चों? यहाँ देखिए 10 के स्थान पे कितना है? 3 है। 10 के स्थान पे 3, यहाँ कितना है? 4 है। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया बच्चों? ये बड़ा हो गया, है ना। अब मान लीजिए, फिर मान लीजिए कि दिया हुआ रहेगा 46 है, इधर 98 है। तो हम लोग किसको से कंपेयर करेंगे? टू डिजिट वाला को। टू डिजिट का रहेगा तो 10 प्लेस के स्थान पर जो रहेगा उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कितना है? 4 है। ये यूनिट प्लेस के स्थान पर, ये 10 के स्थान पर, ये भी यूनिट के स्थान पर, ये 10 के प्लेस स्थान पर है। तो सबसे पहले हम लोग 10 प्लेस वाला किसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो 10 प्लेस के साथ देख रहे हैं यहाँ कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। तो कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा आप लोग को होगा कि 10 प्लेस हो सकता है सेम हो जाए। ठीक है, अब देखिए 10 प्लेस क्या हो गया है? सेम हो गया है। जब दोनों में देखिए 10 प्लेस सेम है तो उसके बाद यूनिट प्लेस से कंपेयर कीजिए, यूनिट प्लेस से कंपेयर कीजिए। जब 10 प्लेस किया हो सेम हो, देखिए ये दोनों क्या है? सेम है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो यूनिट प्लेस से यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब बताइए कौन बड़ा हो गया? यहाँ तो क्या था? यहाँ तो इक्वल था, 4 यहाँ भी है, 10 प्लेस के स्थान पे भी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 6 है, यहाँ भी क्या है? 8 है। तो ये क्या हो गया? ये ग्रेटर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। ये समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे 10 प्लेस वाला का। अगर 10 प्लेस, अगर दोनों का 10 प्लेस देख रहे हैं कि सेम हो, तब यूनिट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अरे बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। और मान लीजिए कि दिया हुआ है 95 है और इधर 98 है। अब इसमें कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कि हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन ग्रेटर देन है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है। तो सबसे पहले 10 प्लेस वाला को कंपेयर कीजिए। 10 प्लेस वाला को देख रहे हैं कि क्या है? 9 9 ही है, यानी कि दोनों इक्वल है। अब यूनिट प्लेस वाला को कंपेयर कीजिए। यूनिट प्लेस में क्या है? ये 5 है या क्या है? 8 है। तो कौन बड़ा हो गया? 98 बड़ा हो गया। केवल आप लोग को ये जानकारी आप लोग को होना चाहिए कि यूनिट प्लेस कौन है, 10 प्लेस के स्थान पे क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस कौन कौन सा इस तरह का होता है ना। ये आप लोग को पहले की क्लास में भी हम कुछ कुछ चर्चा कर चुके थे, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अब 3 डिजिट में रहे, ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये तो आप खुद पता चल रहा है, ये 2 ही डिजिट में है, 3 डिजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, है ना। ये 2 ही डिजिट में है, ये क्या है? 3 डिजिट में, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब मान लीजिए कि दिया हुआ है 3 डिजिट में रहेगा दिया हुआ, ठीक है। थ्री डिजिट में अगर रहे बच्चों, तो सबसे पहले 100 प्लेस के स्थान पर वाला को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे? 100 प्लेस के स्थान वाले को कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस के स्थान पे क्या है? यहाँ देखिए 4 है, यहाँ क्या है? 2 है। अब बताइए कौन बड़ा है बच्चों? कौन बड़ा है? 4 बड़ा है ना, हो जाएगा। फिर लीजिए एग्जाम्पल। अब फिर 100 किसके है? अगर 3 डिजिट में रहेगा तो 100 प्लेस के स्थान पे हमको देखना है, तो 100 प्लेस के स्थान पे यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ क्या है बच्चों? 3 है। बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। लेकिन इसमें भी कभी कभी बच्चों ऐसा होगा कि 100 प्लेस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हम मान लीजिए कि यहाँ दे दिया है ऐसे और यहाँ भी दे दिया है, तो देखिए 100 प्लेस देखिए तो सबसे पहले तो 100 प्लेस तो सेम ही लग रहा है ना। 100 प्लेस तो सेम है, तो इसे कंपेयर करना बेकार है। 10 प्लेस में चलेंगे। 10 प्लेस में यहाँ क्या है? 6 है। यहाँ क्या है? 7 है। ओ, ये 6 था, ये 7 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, है ना। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें।
चलिए और देख लेते हैं। बताइए, अब देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग केस को कंपेयर करते हैं 100+ वाला के साथ, 100+ को कंपेयर करते हैं। तो 100+ के स्थान पे देखिए क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, चलिए ये भी इक्वल है। 10+10 के स्थान पे देखते हैं तो 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ तक तो अभी तक क्लियर है, यहाँ तक तो अभी तक इक्वल था। आगे देखते हैं, ये 1 के स्थान पे कितना है, जो 8 है, यहाँ 1 के स्थान पे कितना है, 9 है, यानी कि ग्रेटर हो है ना, ग्रेटर हो गया ये। अरे वह समझ में, इसी तरह से हम क्या करते हैं, दो नंबरों के बीच में कंपेयर करते हैं। अगर आप लोग को समझ में ना नहीं आता है ना, जैसे कि 256 और 369 कौन बड़ा है तो नहीं पता चले, तो इसी तरह से कंपेयर करके देखिएगा आप लोग एक दूसरे से, एक दूसरे डिजिट से। अरे वह समझ में, चलिए और ले लेते हैं कुछ। हमारे 298 है और 346 है, इसमें तो बच्चों 100 के स्थान पे क्या है, 2 है, 10 के स्थान 100 के स्थान पे 2 है, यहाँ 100 के स्थान पे क्या है, 3 है, तो कौन बड़ा हो गया, है ना। अच्छा चलिए, अब बताइए कौन बड़ा है, इसमें देख रहे हैं 100+ के स्थान पे 2 है, 10+ के स्थान पे 7 7 है, 1 के स्थान पे भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों क्या है, इक्वल है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह से इस अगला जो लेसन है एक्सरसाइज 2F जो है आप लोग को बनाना है, ठीक है। 2F को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो देख रहे हैं आप लोग का पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा 27 में। तो 27 में कहता है, देखिएगा, तो सर्किल करने के लिए कहता है ग्रेटेस्ट नंबर को, ठीक है, क्या करने के लिए कह रहा है, सर्किल करने के लिए कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर को। एक ग्रुप दे दिया है, मान लीजिए कि हम भी ले लेते हैं ग्रुप, देखिए ले लिया ग्रुप हम लोग, तो इसमें से कह रहे हैं कि सबसे जो ग्रेटेस्ट है ना उस पे सर्किल कीजिए, क्या करना है, ग्रेटेस्ट पे सर्किल। हाँ, तो इसमें हम लोग को ग्रेटर नंबर को क्या करना था, चुनना था। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 100 के स्थान पे देखते हैं, यहाँ 100 में 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसको हमको चुनना है। 100+ के स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, देखने की सबसे ज्यादा क्या है, 4 है, तो यही आप लोग का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। चलिए एक दो और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, 100+ वाले के स्थान से। तो 100 में यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 100 के प्लेस के स्थान पे सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा कौन है बच्चों, 5 है। जैसे हम लोग इसको चुन रहे हैं उसी तरह से आप लोग को इसमें मैं मान लीजिए कह देता है कि आप छोटा को चुनिए, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा को चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम रहेगा उसी को देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 100 के स्थान पे, तो देख रहे सबसे कम तो 2 है यहाँ, तो यही सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। चलिए इसमें अब देखते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं सबसे छोटा आपको, तो सबसे छोटा को जब कंपेयर करते हैं इसमें, तो देख रहे हैं कि सभी जगह यहाँ 100 के स्थान पे क्या है, 2 है, यहाँ 100 के स्थान पे क्या है, 3 है, यहाँ 100 के स्थान पे क्या है, 5 है, यहाँ 100 के स्थान पे 1 है, तो सबसे छोटा तो 1 ही हुआ, तो इसी को क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोग को कल एक्सरसाइज 2F को खत्म करके आना है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक में बना लेंगे, या जिनके पास कॉपी है वो बच्चे कॉपी में बना लेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क को क्या कर रहे हैं, होमवर्क डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे होमवर्क बनाया कीजिए और सेंड किया कीजिए। एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे बच्चों, ग्रुप में केवल जो आप लोग का पढ़ाई के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, स्टडी के लिए केवल बनाया गया है, ठीक है, उसमें किसी तरह का और भी कुछ मत डालिएगा। और अगर कुछ आप लोग को प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे पर्सनल आईडी पे आके आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में नहीं, ओके। आप लोग को ग्रुप में कोई भी किसी तरह का मैसेज सेंड नहीं करना है, केवल होमवर्क का, ठीक है, केवल होमवर्क आप लोग सेंड कर सकते हैं, होमवर्क के अलावे और आप लोग को कुछ भी सेंड नहीं करना है ग्रुप में,
चलिए, तो आज आप लोग का होमवर्क हो जाएगा मैथ में, एक्सरसाइज 2F, मेक इन बुक। जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक में कंप्लीट कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, यही आप लोग को मेक करना है। ओके बच्चों।